अरसल, तुमने मुझसे वादा किया था ना, तुम दोबारा नहीं आओगे। नहीं सोया, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था तुमसे। जब तुम्हें पता है कि मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली, तो तुम क्यों मेरा पीछा करते हो अरसल? इसका कोई फायदा नहीं, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। जोया, मैं जानता हूँ कि ये सब तुम क्यों कर रही हो। तुमने ये बातें इसीलिए की थी ना कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, है ना? देखो, मैं कहीं नहीं गया, मैं वही हूँ, अपनी बात पर कायम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अरसल, मैं भी हमेशा अपनी बात पर कायम रहूंगी। तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, तुम अपना वक्त बर्बाद करना बंद कर दो अरसल, आइंदा मुझे मत रोकना। जोया, मैंने तुमसे कहा है ना, मैं अम्मी को समझाऊंगा यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ, और जब उनको एक दफा यकीन आ जाएगा कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा गलत नहीं हुआ तो वो मान जाएंगी। और अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो वो नहीं मानेंगी अरसल? ऐसा हो ही नहीं सकता जोया, तुमने मुझसे खुद ही तो कहा था कि उन्होंने तुम्हें सिर्फ कैद करके रखा हुआ था और कुछ भी नहीं किया था तुम्हारे साथ, यही हुआ था ना जोया? तुम्हें क्या लगता है अरसल, किसी लड़की के किरदार को परखने का ये पैमाना ठीक है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है या नहीं? जोया, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ एक जनरल बात कर रहा था, क्योंकि अम्मी के पास हमारी शादी की मुखालफत का कोई और जवाब नहीं है, और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक दफा उनको जब यकीन आ जाएगा तो वो मान जाएगी, इसमें क्या गलत बात है। अच्छा सही है, तुम जाके अपनी अम्मी से पूछना कि जिन लड़कियों के साथ उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ गलत होता है, बल्कि मैं खुल के बात करती हूँ, जिन लड़कियों के साथ उनकी मर्जी के खिलाफ ज्यादती होती है, क्या वो बदकिरदार हो जाती? जोया, तुम गलत समझ। नहीं तो मेरी बात सुनो अरसल, तुम जाके अपनी अम्मी से पूछना, लड़की के किरदार का ताल्लुक उसके अपने अमल से होता है किसी दूसरे के अमल से होता है? अगर वो कहती है कि लड़की के किरदार का ताल्लुक उसके अपने अमल से होता है तो लेके आ जाना रिश्ता, मैं नहीं करूंगी इनका। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारे मेरे दरमियान जो भी बातें होंगी सूरत में होंगी कि तुम्हारी अम्मी मेरा रिश्ता इज्जत के साथ मेरे घर लेके आए।